Know all about the telly world by subscribing to TellyChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. How is 2019 treating you until now? 2019 has been treating me very well, and Bigg Boss just ended right before 2019 started, and it's been a really amazing journey, and I had loads of fun in Bigg Boss house, and very special journey. ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलता लाइफ में. इट्स जस्ट वन टाइम एंड हैड लोड्स ऑफ फन एंड द जर्नी हैज बीन रियली गुड आफ्टर बिग बॉस पोस्ट बिग बॉस आल्सो बिकॉज़ आई हैव बीन रियली ट्रैवलिंग अ लॉट. आई वेंट टू टोक्यो, वेंट टू बैंकॉक फॉर अ म्यूजिक वीडियो शूट एंड देन आई हैव बीन ट्रैवलिंग हियर इन इंडिया. इट्स बीन रियली फन बट जस्ट ट्रैवलिंग वाइज नाउ आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग अगेन एंड मेक श्योर दैट यू गाइज सी मी सून ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स अगेन. मैं आपको बताऊंगा उस चीज के बारे में क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था हमारी तरफ से हमारे फैंस के लिए. लेकिन अब हम थाईलैंड में शूट करने के लिए गए थे लेकिन सृष्टि और मेरी एक ऐसी पिक्चर बाहर आ गई जिससे लोगों को लग रहा है कि हम लोग हॉलीडे मना रहे हैं, विच इज़ हम लोग शॉक में थे कि लोग ऐसा सोचने लगा कि ये पिक्चर हमारी बाहर आ गई. तो वी वर रियली शॉक्ड एंड हमें लगा कि किसी ने ये पिक्चर कहाँ से क्लिक करके डाल दिया इंस्टाग्राम में. वी वर रियली शॉक कि ये पिक्चर आई कहाँ से बाहर पहली बात तो. एंड म्यूजिक वीडियो वी वर शूटिंग देयर फॉर अ म्यूजिक वीडियो एंड इट्स एन इंटरनेशनल वीडियो एंड डीजे पांचो इज even there in the music video. So we are really excited about it. लेकिन ये surprise हम आपको थोड़े दिनों बाद बताने वाले थे लेकिन ये बहुत पहले आ गया and इसलिए हमें ये इसका खुलासा करना पड़ा. So थोड़ा बुरा लगा लेकिन we are really excited about this music video. Well उसी बात पे किसी ने लिखा है Srishty and Rohit are lit. Srishty and Rohit are lit. That is so true. We are really lit and she's a very good friend of mine and बहुत अच्छी दोस्त है मेरी and बहुत अच्छी इंसान भी है. And मुझे उनकी कंपनी बहुत पसंद है and she's always helping me a lot with everything and she's always motivating me for work, for everything. So I think she's a very dear friend of mine. कोई एक ऐसी एक्ट्रेस आपकी टेलीविजन इंडस्ट्री में से apart from Srishty now because you already work with yeah. जिनके साथ आप एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक वीडियो में भी अराउंड लव और मे बी अराउंड बिट्रेयल और एनी कॉन्सेप्ट पे आप करना चाहेंगे? I would really, apart from Srishty, right, I would really love to work with Tejasvi, because I've worked with her on Rishta Likhenge Humne, and I think she's really beautiful. तो आपको टाइम मिला तेजस्वी का नया शो का प्रोमो या जो भी एपिसोड्स चल रहे हैं वो देखने का? जी, it's on Voot, right? तो मैंने तेजस्वी ने अपलोड किया था भी इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों पहले और मैंने उनका वो प्रोमो देखा एंड शी लुकिंग वेरी गुड एंड जैसे वो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छी लगती है स्क्रीन पे. एंड मैंने देखा उन्हें, मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि यू आर लुकिंग लवली इन द वीडियो एंड शी सेड थैंक्स एंड yeah, we're gonna catch up soon. तो उस शो का जो बेस है ना वो है अराउंड लव, ओके, सिलसिला टू. तो आपके हिसाब से व्हाट इज लव? मेरे हिसाब से लव इज इट्स ब्यूटीफुल. लव बहुत ही सुंदर चीज है, बहुत ही सुंदर शब्द है. एंड लेकिन आजकल लव का मीनिंग लोगों ने बर्बाद कर दिया है. लव बोलते हैं लेकिन करता कोई नहीं है, करते कुछ लोग हैं. एंड मेरे ख्याल से आज का, एक तो मैं यंग हूँ अभी, 22 साल का हूँ अभी से ही. लव मुझे एक्चुअली सच बोलूँ तो मुझे समझ में नहीं आता लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस्ती फिलहाल के लिए, नॉट लव. प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप्स की बात हो ही रही है तो ऐसी दो क्वालिटीज जो रोहित अपने पार्टनर में या अगर उसको कोई लड़की पसंद आती है उसमें वो देखना पसंद करते हैं, व्हाट विल दैट बी? सी क्वालिटीज, आई विल टेल यू वन थिंग, आई वॉन्ट इन माई पार्टनर इज टू बी लॉयल. एंड ऐसा नहीं कि इफ आई एम डेटिंग अ गर्ल वो किसी और के साथ भी जा रही है, किसी और के साथ भी, ऐसा दैट इज द वर्स्ट थिंग एवर इन अ रिलेशनशिप. एंड आई थिंक द पार्टनर शुड बी रियली लॉयल, रिस्पेक्ट शुड बी देयर बिटवीन द कपल एंड जस्ट हैव फन. इट्स अ स्मॉल लाइफ, जस्ट गो अहेड, डू वट एवर यू वॉन्ट एंड जस्ट हैव फन. छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजारो. या एक्चुअली बहुत कम टाइम बचा है मेरे बर्थडे को, इट्स ऑन द 6th of April. एंड अभी फिलहाल के लिए मेरे प्लान्स तो कुछ है नहीं.
अभी बहुत ही कम टाइम बचा है, लेकिन मैं जल्दी से इस पे आई एम गोना वर्क ऑन दिस बर्थडे प्लान एंड आई हैव टू आई थिंक आई विल बी ट्रैवलिंग मोस्टली आई विल बी ट्रैवलिंग एंड बिकॉज माई मॉम एंड डैड दे ऑल आउट ऑफ टाउन राइट नाउ दे आर स्टिल इन टोक्यो तो मैं शायद या तो वापस उन्हें सरप्राइज देने के लिए जाऊँ क्योंकि ये सरप्राइज रहा नहीं हो शायद वो लोग मुझे देख रहे हो लेकिन मैं शायद वापस से टोक्यो जाऊँ उनके पास या फिर यहीं आसपास कहीं बॉम्बे में या इंडिया में ही जाऊँ बर्थडे मनाने का अक्सर लोग कहते हैं कि यू नो वी एक्सपेक्ट दिस एज अ बर्थडे गिफ्ट और बर्थडे सरप्राइज बट आई से व्हाई नॉट गिफ्ट योरसेल्फ समथिंग सो कोई एक ऐसी चीज जो आप खुद को गिफ्ट करना चाहेंगे दिस बर्थडे सेल्फ इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू सरप्राइज योरसेल्फ एंड आई थिंक मैं खुद को मुझे फ़ोन चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैं अपने आप को एक फ़ोन गिफ्ट करने वाला हूँ इस बर्थडे पे और एक अच्छा सा ट्रिप गिफ्ट करने वाला हूँ एंड वहाँ जहाँ मैं अकेला जा सकूँ और ये ट्रिप सिर्फ मैं सोलो ट्रिप करने वाला हूँ एंड म्यूज़िक वीडियो भी आने वाला है सो बहुत सारी चीज़ें साथ में आ रही हैं बर्थडे भी साथ में आ रहा है म्यूज़िक वीडियो के साथ साथ थोड़ा मतलब ऊपर नीचे सो बहुत ही हेक्टिक होने वाला है मेरा बर्थडे स्केड्यूल लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं खुद को एक ट्रिप दूँ अच्छे से एंड मज़े करके आऊँ आपने इतने अलग अलग रोल्स प्ले करे हैं रोहित एंड यू नो आई एम श्योर यू गोइंग टू प्ले मोर डिफरेंट रोल्स वन सच रोल दैट एक्साइट्स यू दैट मे बी यू हैव प्लेड और मे बी यू हैव नॉट येट प्लेड वो कौन सा होगा आई डोंट नो दिस इज रियली आउट ऑफ द बॉक्स बट My favorite character, if I see, is Padmavat ka Khilji. I loved Ranveer Singh as Khilji, and he's my favorite actor. And मुझे खिलजी वाला role करने का कब भी मौका मिलेगा, कहीं पे भी मौका मिलेगा, तो मैं करना चाहूँगा. And that intense and that pagalpanti वाला role, I would love to do it. And one genre that excites you most? One genre. कॉमेडी आई लव कॉमेडी लोगों को लगता है मैं एक्चुअली पता नहीं लोग चाहते कि मैं सीरियस हूँ लेकिन मुझसे हुआ नहीं जाता मैं सीरियस थोड़े देर के लिए हो सकता हूँ लेकिन मैं मोस्टली लोगों को हंसाता ही रहता हूँ और मेरा जॉनर भी कॉमेडी ही है आगे जाके कभी मैं फिल्म या कहीं पर भी काम करूँ तो मैं करना चाहूँगा कॉमेडी अभी रिसेंटली मैं टोक्यो के आया एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल मैं चाहूँगा कि आप लोग कभी भी आउट ऑफ इंडिया प्लान कर रहे हैं तो टोक्यो जाके आइए एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिटीएस्ट प्लेसेस ब्यूटिफुल इट्स जस्ट अमेजिंग वहाँ का जो स्नोफॉल हो रहा था जब मैं गया हुआ था इट इज़ सो गुड और अभी वहाँ पे चेरी ब्लॉसम भी होने वाला है एंड आई थिंक इफ यू गाइज हैव टाइम इफ यू गाइज वांट टू ट्रैवल गो आउट ऑफ इंडिया एंड जस्ट गो टू टोक्यो यू गोना हैव अ ब्लास्ट इफ आई से दैट वीकेंड पे दिस संडे एग्जांपल TellyChakkar along with any two of your fans that are not from Mumbai okay. is going to spend a complete day with you. Okay. So what are the things that you know we will be doing? Where all are you gonna take us? Fans जो होंगे वो दो होंगे जो भी lucky fans होंगे and मैं खुद भी lucky होंगा ऐसे मुझे chill करने का मौका मिल रहा है and specially मैं मेरी life में workout बहुत जरूरी है तो मैं कुछ भी हो जाए आपको बुरा लगे अच्छा लगे मैं आपको वर्कआउट कराने जरूर लेके जाऊंगा अपने जिम में एंड उसके बाद हम लोग फिर लंच पे चलेंगे देन मूवी चलेंगे फिर मूवी के बाद हम लोग कहीं मरीन ड्राइव पे आपको ड्राइव पे लेके चलूंगा मैं उसके बाद डिनर करेंगे उसके बाद क्लबिंग जाएंगे क्लबिंग के बाद मैं आपको सीधा घर छोड़ूंगा और मैं अपने घर चले जाऊंगा सी आई यूज़ टू पार्टी अलॉट मैं बहुत ही ज़्यादा पार्टी करता था मंडे के अलावा मैं हर दिन पार्टी करता था एंड लेकिन अब काम को मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है एंड मैंने पार्टी करना बंद कर दिया है तो जहाँ मैं पार्टी करने जाता था आई थिंक देयर इज़ दिस क्लब इन अंधेरी बैरल मैं मेरे अच्छे दोस्त का ही है बैरल तो वहाँ पर हम लोग बहुत पार्टी करते थे एंड आजकल तो बहुत फेमस भी हो गया लोग पार्टी करने बैरल में ही जा रहे हैं बैरल मैंशन भी खुल गया है सो आई थिंक क्लबिंग के लिए अगर आप देखो तो मैं बैरल प्रेफर करता हूँ एंड खाने की जो जगह है मुझे खाना बहुत पसंद है तो आई लव एशियन फूड तो एशियन फूड के लिए मैं हमेशा याओचा जाता हूँ विच इज़ इन बी के सी तो याओचा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू गो फॉर डिनर आपने इतनी Which is the one destination that you would like to certify under the most overrated destination? I think most overrated place till now for me is Goa. I think people go crazy ki hum Goa ja rahe hain. Are aisa मैं सच बताना चाहूँगा मैं गोवा का मैंने सुना है खाली मैं एक बार गया हूँ लाइफ में जो कि है अभी मैं टोक्यो जाने से पहले गया था गोवा लेकिन मैं बस बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है गोवा में मुझे तो ऐसा कुछ नहीं देखा लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं गोवा जैसे कि पता नहीं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं
लेकिन आई वुड आई एम सो सॉरी बट मैं बस ये कहना चाहूंगा गोवा मुझे बहुत ओवररेटेड लगता है. थैंक यू सो मच रोहित, इट वाज ग्रेट हैविंग यू.